वन नेशन वन इलेक्शन पर इंडिया ब्लॉक में ही फूट पड़ गई है कांग्रेस की धड़कनों को बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर दिया जबकि कांग्रेस सहित कई पार्टियां इसके खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी ने मोदी कैबिनेट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि हम भी इसके पक्ष में हैं। हम भी चाहते हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी भी इसके पक्ष में है बीजेपी इसके लिए सभी दलों के नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का काम करे उन्होंने कहा कि 10 साल से बीजेपी केवल इसकी बात कर रही है प्रचार कर रही है 10 साल से वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं हो पाया विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ हो। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी मायावती ने अपने एक पोस्ट में कहा कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय का चुनाव साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है लेकिन इसका उद्देश्य देश, देश, देश व जनहित में होना जरूरी है जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा की वन नेशन वन इलेक्शन से बदलते भारत की तस्वीर और बेहतर होगी चुनाव खर्च के विशाल आकार को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग कतार में लगेंगे सुरक्षा बलों की तैनाती समय पर और बेहतर तरीके से की जाएगी कैबिनेट के इस फैसले से यह रास्ता साफ हो गया कि भविष्य में जब भी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा तो एक साथ कराने का रास्ता तय हो गया है आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का पार्टी की तरफ से सैद्धांतिक विरोध है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में ऐसे बताया जा रहा है जैसे कि इसी सरकार में इसका आविष्कार हुआ उन्नीस तक था लेकिन उसके बाद क्या हुआ उन्नीस के बाद माला क्यों टूटी और फिर क्या गारंटी है कि ये माला नहीं टूटेगी लोकतंत्र में स्थिरता अब जाकर आई है लेकिन ये व्यवहारिक नहीं होगा मान लीजिए यूपी महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनी या फिर सरकार छह महीने में गिर गई तो क्या करेंगे कैसे इसे लागू कर पाएंगे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं उन पर सरकार को काम करने की जरूरत है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के समय इसके जरिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था चलने वाली नहीं चुनाव के समय जब मुद्दे नहीं मिल रहे तो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह ने मंगलवार को कहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करेगी Good report, News of India.